बेसिकली आप अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो या तो आप इन्वेस्ट करके या तो ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। वैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, जैसे कि आप कोई अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी में 1 साल 2 साल और 10 साल इस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपनी में कंपनी की ग्रोथ देखते हो, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो और कई सारी चीजें जैसे कि मार्केट के रिपोर्ट, कई सारी चीजें देखकर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कुछ काम नहीं आता, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल जैसे कि ट्रेडिंग करने के समय आप अगर कंपनी की बैलेंस देखोगे, मार्केट कैप देखोगे, ग्रोथ देखोगे, तो वो ट्रेडिंग में कुछ काम नहीं आती, क्योंकि ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म करने के शॉर्ट टर्म करके पैसा कमाते हो। तो शॉर्ट टर्म करके पैसा कमाने में आपको कंपनी की हिस्ट्री जानने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए ट्रेडिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस उतनी बेहतर नहीं है जितने टेक्निकल एनालिसिस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको फंडामेंटल से ज्यादा टेक्निकल पे फोकस करना चाहिए, इसलिए आज हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो उतनी हेल्पफुल नहीं है। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के समय फंडामेंटल एनालिसिस पर ही फोकस करना चाहिए और उसी के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, आप इतना समझ चुके होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आप ये पहला बार वीडियो देख रहे हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं और इसे देखकर आप यह मत समझ लेना कि हमको टेक्निकल एनालिसिस आ गई है, और हाँ, एक वीडियो देखकर और इसी के बेसिस पे आप ट्रेडिंग भी मत करना, क्योंकि एक वीडियो देखकर आपको टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आएगी और आप ट्रेडिंग में भी उतने सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। इसलिए हमारे टेक्निकल एनालिसिस का पूरी सीरीज को देखना और उसके बाद आप जब अच्छे से सीख जाओ उसके बाद ही अपने रिस्क में ट्रेडिंग करना। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए आपको ट्रेंड को पहचानना बहुत जरूरी है, और ट्रेंड को पहचानना आपको आना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको ट्रेडिंग ट्रेंड को ध्यान में रखकर ही करनी पड़ेगी और करनी होगी। और ट्रेंड के बारे में एक चीज जरूर याद रखना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जी हाँ, ये चीज तो पहले आपके दिमाग में बिठा ही लेना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अब हम ट्रेंड के बारे में आगे देखते हैं। ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड एंड तीसरा है साइडवेज ट्रेंड। तो ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं और ये आपको चार्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो हम अब तीनों को ट्रेंड को एक एक बार देखते हैं कि क्या होता है तीनों ट्रेंड के अंदर। सो हमने 3 ट्रेंड बताए, उसमें से पहला ट्रेंड है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड आप कहेंगे कि ऐसे ऐसे क्यों बढ़ रहा है, ऐसे सीधे क्यों नहीं बढ़ता, क्या कोई भी चीज का प्राइस ले लो ऐसे सीधे नहीं बढ़ता है, इसी तरीके से बढ़ता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से करा हुआ है, क्योंकि कोई भी प्राइस ऐसे सीधे नहीं बढ़ती है। तो अब इस लो से स्टार्ट होता है प्राइस बढ़ना और जब ये ऊपर हाई क्रिएट करता है और ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के लो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हायर लो। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्राइस ने, इस ट्रेंड की प्राइस ने काफी ज्यादा लोस बनाए हैं, और यहाँ पर जो हाई का पॉइंट होता है अप ट्रेंड का, हाई के पॉइंट को हम हायर हाई कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हो प्राइस यहाँ से ऊपर उठा, लो से ऊपर उठा, तो इसे तो हम लो ही कहेंगे, क्योंकि अभी ट्रेंड नहीं पहचानते, थोड़ा मूवमेंट आने के बाद पता चलता है। तो यहाँ पर हाई बना के फिर जो लो बनाया अब ट्रेंड हो गया है, तो हम इसे हायर लो कहेंगे। फिर अब गया तो इस हाई को क्या कहेंगे, हायर। इसी तरीके से यहाँ पर हायर लो, यहाँ पर हायर हाई हायर। तो ये था अप ट्रेंड, तो कुछ इस तरीके से होता है अप ट्रेंड। तो अब हम दूसरा ट्रेंड देखते हैं जो कि है डाउन ट्रेंड। तो अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रेंड की जो है डाउन ट्रेंड। तो डाउन में भी, डाउन ट्रेंड में मार्केट गिरता है, तो
गिरते समय भी ऐसे सीधी लाइन में कभी नहीं गिरता है। तो बेसिकली कैसे गिरता है, ऐसे ही गिरता है। मैंने क्या कहा था अभी कि मार्केट ऐसे सीधा बढ़ता भी नहीं है, अब मैं कह रहा हूँ सीधा बढ़ता भी नहीं है और ऐसा घटता भी नहीं है, ऐसे ही घटता है। हाई बनाएगा लो बनाएगा, हाई बनाएगा लो बनाएगा, उसके बाद ही ऐसे घटता है मार्केट। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में जो कि डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है और जो डाउन ट्रेंड में प्राइस का चार्ट है, जो ये चार्ट है प्राइस चार्ट, तो यहाँ पर जो ये हाई बना रहा है उससे आगे आगे भी डाउन ट्रेंड, इसलिए लोअर हाई कहेंगे। क्या कहेंगे? लोअर हाई। और उसके लो पॉइंट को क्या कहेंगे? लोअर लो कहेंगे। और फिर यहाँ पर हाई बनाया तो इस हाई को क्या कहेंगे? लोअर हाई। फिर लोअर हाई और जो लो बनाएगा उसे हम लोअर लो कहेंगे, इसमें डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के हाई को लोअर हाई कहते हैं और डाउन ट्रेंड के लो को लोअर लो कहते हैं। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर उसने बना है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट थर्ड ट्रेंड की, जो कि है साइडवेज ट्रेंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। यहाँ पर देखिए, प्राइस दो लेवल बनाता है या एक जोन बनाता है, लेवल कहिए या जोन कहिए। जैसे कि यहाँ पर लो बना के यहाँ पर टच किया और ये क्या बनाया? हाई बनाया। फिर लो को टच किया, हाई को टच किया, लो को टच किया, ऐसे ही जोन में घूमता रहता है। ना ही अप ट्रेंड होता है, ना ही डाउन ट्रेंड होता है, इतने से जोन में घूमता रहता है। तो अगर हम इस जोन को सपोर्ट कहें और इस जोन को रेजिस्टेंस कहें तो क्या इसमें कोई गलत है? बिल्कुल गलती नहीं है। तो हम इस लेवल को सपोर्ट कहेंगे, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, और रेजिस्टेंस को टच करते ही नीचे हो रहा है, नीचे हो रहा है। सो देख रखो, यहाँ पर लो 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 बनाएगा और हाई 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 बनेगा। तो ये था हमारा साइडवेज ट्रेंड। सो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको तीन ट्रेंड की डेफिनेशन दी और इस तीन ट्रेंड को मैंने अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया। तो अब हम इस ट्रेंड को चार्ट में देखते हैं कि ये ट्रेंड्स चार्ट में कैसे दिखते हैं। ओके, तो चलिए हम कैंडलस्टिक चार्ट में चलते हैं। और हाँ, इसके बाद हम कैंडलस्टिक पर फोकस करने वाले हैं कि कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती है। तो अब हम उसके बाद की वीडियो में हम कैंडलस्टिक क्या बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम इस ट्रेंड को रियल चार्ट पे देखते हैं। सो ये है यूरो का चार्ट। आप देख सकते हो ये अप ट्रेंडिंग चार्ट है। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया था, जब प्राइस ऊपर चलता है तो जो ये लो बनाता है उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे हाई लो कहेंगे। और जो ऊपर हाई बना रहा है उसे हम क्या कहेंगे? हायर हाई कहेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पर हायर लो, फिर हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, कुछ इस तरीके से उसने कितने सारे हायर लोस बनाए हैं। और उसके बाद आप हाई भी देख सकते हो, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई और हायर हाई। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कितने सारे हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, कितने ज्यादा बने हुए। तो ये यूरो का चार्ट था, अप ट्रेंडेड चार्ट था, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, अप ट्रेंडिंग सिखाया था। उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का सीनेरियो क्रिएट हो रहा था और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का बन रहा है। सो अब हम नेक्स्ट ट्रेंड की ओर चलते हैं, जो कि है डाउन ट्रेंड। तो ये यूएस डॉलर का चार्ट है और जो कि डाउन ट्रेंडेड चार्ट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्हें क्या बनाया? लोअर हाई। हम क्या कहते थे? जो डाउन ट्रेंड के अंदर जो हाई बनाता है उसे हम लोअर हाई कहेंगे। तो ये लोअर हाई, ये क्या है? लोअर लो है। और ये क्या? फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंडेड चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड और चार्ट में आपको इस तरीके से दिखेगा डाउन ट्रेंड। ओके, सो ये रिलायंस का चार्ट है। आप देख सकते हो ये रिलायंस का चार्ट है। मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा या तो एक जोन क्रिएट करेगा, वो दोनों कह सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और जोन। तो यहाँ पर देखिए, ये जोन है और इसका ये सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है। प्राइस देखो इस एरिया में ही घूमता रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? साइडवेज ट्रेंड। मार्केट देखो यहाँ पर नीचे अड़ गया, फिर यहाँ पर टच किया और फिर ऊपर, कुछ इस तरीके से। आप साइडवेज ट्रेंड में आपने देखा होगा कि इतने में ही चलता रहता है, ना ही ऊपर बढ़ता है ना ही नीचे बढ़ता है। अगर साइडवेज ट्रेंड की आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आती हो तो आप साइडवेज ट्रेंड का यूज करके आप ट्रेड ले सकते हो, जो कि हम एक वीडियो
उसके लिए डिस्कस करेंगे कि आप साइबिक स्ट्रेंड को यूज करके स्ट्रेटेजी कैसे बिल्डअप कर सकते हो और उससे कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये था साइडवेज ट्रेंड, जिस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ साइडवेज ट्रेंड की तरह ही है। तो आई होप अब आप ट्रेंड को पहचानना सीख गए होंगे कि आप ट्रेंड को किस तरीके से पहचान सकते हो। ठीक है, तो आप ट्रेंड को पहचानना तो सीख गए, अब हम आगे और कैंडल स्टिक पे फोकस करेंगे और कैंडल स्टिक का पूरा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद कैंडल स्टिक का वीडियो ही आने वाले हैं। तो आज आपने सारे ट्रेंड्स और ये सब सीख लिया, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जरूर अपने लाइव चैट पे जाके ये सब की प्रैक्टिस करना जो कि मैंने अभी आपको सिखाया, ये ट्रेंड होते हैं और वो ट्रेंड को फाइंड आउट करना और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना इस ट्रेंड के ऊपर, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड ये याद रखना, और चैट पे जाके इसको स्टडी करना, चार्ट पे जाके इसको स्टडी करना और ऑफिस में एनालिसिस करना ट्रेंड के बारे में, और याद रखना ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि एक कैंडल स्टिक का